लगातार दलित और पिछड़ों पर अन्याय, अत्याचार, शोषण और दमन करने पर लगी हुई है। उनके अधिकारों की जहां अनिवार्यता को समाप्त कर रही है, वहीं संबंधित नेताओं के खिलाफ भी जबरन कार्रवाई कर झूठे मुकदमों में फंसाकर जेल भेजने का काम कर रही है। श्री आलोक प्रसाद जी इस बात के गवाह हैं। आलोक प्रसाद जी का जीवन और पारिवारिक पृष्ठभूमि एक बड़ा गौरवशाली रहा है। श्री आलोक प्रसाद जी के पिताजी उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, 4 बार राज्यसभा सदस्य, भारत सरकार के मंत्री, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, महाराष्ट्र के गवर्नर और साथ ही साथ अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी दलित कांग्रेस के भी रहे हैं। ये परिचय उनके पिता का है। और आलोक प्रसाद जी महाराजगंज जनपद के 2 बार अध्यक्ष और प्रदेश के महासचिव यूपीसीसी के और आज दलित कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। अभी बहुत सारी बातें श्री आर के चौधरी जी ने आपके बीच में रखी है। हमारा योगी आदित्यनाथ जी से सवाल है, योगी आदित्यनाथ जी ये बताएं, जिस केस में न वादी हो न कोई साक्ष्य हो, तो आप किस आधार पर श्री आलोक प्रसाद जी को जेल के सलाखों में रखे हुए हैं? वादी पुलिस, चार्जशीट लगाने वाली पुलिस, मुकदमे लिखने वाली पुलिस और पुलिस उत्तर प्रदेश सरकार का अंग और जिसके साथ घटना हुआ, उसके तरफ से ना कोई बयान, ना कोई रिकॉर्ड और ना कोई साक्ष्य। कौन सा आधार रहा जिस समय आलोक प्रसाद जी को घर से गिरफ्तार करके लाया गया? योगी आदित्यनाथ जी यह बताइए कि जिस लड़की ने, औरत ने, बहन ने आत्मदाह किया, उसका मजिस्ट्रेटी बयान क्यों नहीं लिया गया? मजिस्ट्रेटी बयान के साथ साथ मरने का इंतजार उत्तर प्रदेश की सरकार और पुलिस करती रही कि लड़की जब मर जाए तब हम आनन फानन में मुकदमा लिखकर श्री आलोक प्रसाद जी को जेल भेज दें। और यही काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया। मेरा आरोप है योगी आदित्यनाथ जी पर, चूंकि उनके बगल का जिला है महाराजगंज और महाराजगंज में उनके ट्रस्ट के नाम से, जिसके वो पीठ के पीठाधीश्वर रहे हैं, सैकड़ों एकड़ जमीन है जिस पर गन्ना उगाया जाता है और बहुत सारे संस्थान भी हैं। आलोक प्रसाद जी उसके खिलाफ समय समय पर आंदोलन करते रहे, इसलिए योगी आदित्यनाथ जी जानबूझकर राजनीतिक शिकार बनाते हुए श्री आलोक प्रसाद को जेल भेजने का काम किए हैं। मेरा आरोप यह भी है, श्री अनूप पटेल जो हमारे प्रवक्ता रहे, जिसके मुकदमे में वो जेल में है, उनकी जो उस समय जो जली थी बहन, मरी थी बहन, वो उसका भी मजिस्ट्रेटी बयान सरकार ने नहीं लिया था। इतना ही नहीं, जिस मामले को लेकर उन्होंने आत्मदाह किया था, अमेठी का परिवार,
उसे आज तक पुलिस ने बंधक बनाकर रखा है, ना उन्हें निकलने देती है ना कहीं उन्हें जाने देती है। उस बेटी ने मीडिया के सामने आकर बयान दिया था कि हम अधिकारियों के कारण सरकार के पास लगातार जाकर आवेदन करते रहे, जमीन के मामले को लेकर हम दौड़ते रहे और हमारी बात नहीं सुनी गई, इसलिए हमारी मां ने आत्मदाह किया है। और उसके बाद भी सरकार ने सिर्फ इसलिए कि अनूप पटेल जी पिछड़े समाज के थे, पटेल समाज के थे, कुर्मी समाज के थे, इसलिए जानबूझकर जाति करते हुए योगी आदित्यनाथ जी की पुलिस ने